खबर देहरादून से आ रही है, जहां भाजपा में नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पार्टी से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार बहुत सकारात्मक पहल कर रही है और राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। जनता का झुकाव और विश्वास भाजपा की ओर है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं। नंबर एक राजनीतिक पार्टी आज देश के अंदर 18 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी की और हर 3 साल के बाद नया स्वच्छता अभियान शुरू होता है। आज उसकी एक कार्यशाला श्री सुमन मंडल और गगन मंडल की मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर आयोजित की गई है। 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी प्रधानमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे और 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाएंगे और उसके बाद ये स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में पूरे देश में शुरू होगा। स्वच्छता का उत्साह आज आम जनमानस में है क्योंकि आज मोदी जी का 3रा कार्यकाल केंद्र में है और धामी जी को भी 3 साल सत्ता में हो गए हैं और चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो कल्याणकारी योजनाओं से आम जनमानस संतुष्ट है। यही कारण है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। इस कार्यशाला में कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे और उसमें काम करते हुए हम स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे जो महानगर के अध्यक्ष हैं, महानगर में इस काम को देख लें और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई।